बीबीसी लाइव देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोयला संकट के चलते केंद्रीय कोयला मंत्री का अचानक बिलासपुर आगमन। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बुधवार को कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के साथ बिलासपुर पहुंचे। उनके आगमन को देश में कोयले के संकट की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 41 नामों से कोल इंडिया की कंपनी SICL देश का 20% कोयला निकालती है। कोयला मंत्री बिलासपुर से कुसुम मुंडा खदान का दौरा करेंगे। इसके बाद कोरबा में अधिकारियों की बैठक के पश्चात 2:30 बजे की ओर से वापस बिलासपुर और 3 बजे बिलासपुर से रांची के लिए विशेष विमान से रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ आगमन पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने आगवानी की। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए SICL को मैं आज विजिट कर रहा हूं और प्रदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहां तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद, 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ये कहना है कि आज से ही, आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बात करता हूँ। कांग्रेस माहौल बना रही है क्या कि कमी बढ़ रही करके? ऐसा कुछ मुझे तो इसमें पॉलिटिक्स कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए, आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।